उत्तर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने महापौर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार के कार्यालयों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय भ्रष्टाचार आकंट में डूबे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रजिस्ट्रार्ड कार्यालय है, जहां रजिस्ट्रार्ड की नियुक्ति डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से दलाल करवाते हैं। क्या कुछ आरोप महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर लगाए, सुनिए उन्हीं की जुबानी। भ्रष्टाचार का मामला हो या अन्य किसी मामला हो, और प्रतिदिन एक नया झूठ बोलना उनका काम बन गया है। आज हम एक बड़ी चीज, क्योंकि पहले हम कहते हैं पहले अपने घर को आप संभाल लीजिए, दूसरों पे कीचड़ बाद में आपको उछालना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जितनी भी मकान की रजिस्ट्रियाँ होती हैं सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है, और बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहाँ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग भी जाते होंगे, कोई भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए, बिना दलाल के माध्यम के बिना नहीं होती। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिन संपत्तियों को बुक करता है या सील करता है उसकी सूची हर महीने रजिस्ट्रार कार्यालय में चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्री यदि होती है तो जो व्यक्ति मकान खरीद रहा है उसके साथ धोखा होता है, या उसकी यदि रजिस्ट्री की जाए तो उसमें लाल ठप्पा लगा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इस दिन इस तारीख को बुक की गई थी अवैध निर्माण के अंतर्गत, लेकिन नहीं बताया जाता। वहाँ पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, जो डिविजनल कमिश्नर है जो शामनाथ मार्ग में बैठते हैं वो दलालों के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार बैठे हैं इनकी ताकत नहीं किसी रजिस्ट्री को बना करते, दलाल अपना खेल खेलते हैं, इनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं। दलाल इनको खरीद के बैठे हुए हैं, वो शामनाथ मार्ग के माध्यम से इनकी नियुक्तियाँ करवाते हैं। जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसी नियुक्ति होनी है उसकी कीमत उसके हिसाब से होती है, जहाँ जितना ज़्यादा काम उस रजिस्ट्रार कार्यालय के उतने ज़्यादा पैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 15 मीटर तक हाइट के मकान अलाउ हैं, और 15 मीटर के अलावा उसमें एक नियम है, यदि आपने नीचे पार्किंग बनाई है तो उसके अलावा 4 मंजिल बन सकती है, यदि पार्किंग नहीं बनाई तो 4 मंजिल मकान बन सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बिल्डर माफिया ने रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली भगत कर 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल मकान बना लिए हैं। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पार्किंग की रजिस्ट्री कभी नहीं होती, अपर ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसकी रजिस्ट्रिया की जाती है, लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय जब 5वीं 6वीं मंजिल बनाते हैं तो उसको थर्ड फ्लोर ना लिख के फोर्थ फ्लोर ना लिख के उसको टॉप फ्लोर लिख देते हैं। टॉप फ्लोर को परिभाषा नहीं होती, टॉप फ्लोर को शब्द नहीं होता, आपको खोलना होता है, लेकिन इसके बदले में 20,000 रुपये से लेकर 5-5-10-10 लाख तक रिश्वत जाती है। यहाँ तक कि जो सरकारी ज़मीन है उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे केस हैं, आप चले जाइए झील कुंजा के अंदर, पीसी के माध्यम हमने वैसे पहले भी अलग मुद्दे उठाए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत प्रतिदिन शिकायतें आ रही है, कल भी एक बैठे हुए थे, उन्होंने दुकान ली क्या 5.5 गज की दुकान ली, वो कहते हैं मैंने 5.5 गज की दुकान 5.5 लाख रुपये की ली, मेरी गलती क्या है? मैं आपकी गलती है आपने जाँच नहीं की। हम मैं इसमें बात बताना चाहता हूँ, हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है, हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है कि जो भी बिल्डिंग बुक होती है सील होती है उसको वेबसाइट पर डालिए, वेबसाइट पर डली हुई है, लेकिन उसको देखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोग देख नहीं पाते। जो भी मैं आपके माध्यम से, मेरी वाली बात विषय छूट गया, मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय निगम के अंदर जांच कर लें कि ये प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी सील तो नहीं है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदे। कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो अपने जीवन भर की पूंजी जो उसने कैसे कमाई, कितनी मेहनत से कमाई है, वो उस पूंजी को उसमें लगा देता है, और जब उसको पता चलता है ये बिल्डिंग बुक है या इसे मीटर नहीं लगाया जा सकता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग खरीदने से पहले निगम के अंदर जाँच कर ले कि वो प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, सील तो नहीं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बावासीर, सुगर,
हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिर में स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।